हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे मैथ का, जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो यहाँ पर हम ज्यामिति या ज्योमेट्री की बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह के बारे में आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, तो वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री या ज्यामिति जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये दो वर्ड से बनी है। यहाँ पर ज्योमेट्री जो है, फर्स्ट है ये जियो और सेकंड मिट्री, ज्या और मिति। इसमें ये जो जियो है, इसका मतलब है अर्थ, हमारी पृथ्वी, धरती, और ये मिट्री, मिट्री का मतलब है मेजरमेंट, नापना। तो ज्योमेट्री का मतलब बन गया मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जमीन को नापना, धरती को नापना, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी को नापना। तो पुराने टाइम में जब ये ज्योमेट्री की शुरुआत हुई तो इसी तरीके से हुई। जमीन, खेत, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती थी उनके नापने के लिए जो भी शेप्स वगैरह यूज होती थी, जो सिस्टम यूज होता था, मैथ जो यूज होता था, उसको हम ज्योमेट्री कहते थे। तो वहीं से ये डेवलप हुई है। तो अगर हम ज्योमेट्री के कुछ एग्जांपल्स देखें, तो आप पुरानी बिल्डिंग्स देखें तो उनमें भी आपको अलग अलग तरह की शेप्स नजर आएंगी। जैसे ये ताजमहल है, इसमें आपको शेप्स और डिजाइंस नजर आएंगे, सब के सब ज्योमेट्री है। इसका डिजाइन कैसा होगा, ये बगीचा जो बनेगा सामने, पानी के लिए ये जगह बनी हुई है, तो ये किस तरह का बनेगा, ये सारा का सारा, ये सब का सब ये ज्योमेट्री में आता है। शेप क्या होंगी, ये इजिप्ट में पिरामिड है, तो ये पिरामिड जो है ये प्राचीनतम, एक बड़ा पुराने टाइम का मान सकते हैं आप, ज्योमेट्री का एक एग्जांपल है। तो अब हम यहाँ पर बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स देखते हैं जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट है पॉइंट। ज्योमेट्री की शुरुआत की अगर बात करें तो वो पॉइंट से या बिंदु से ही होती है। तो पॉइंट है क्या, तो उसके लिए हम यहाँ इस तरह से देख सकते हैं कि आपकी कंपासेस जो होती हैं प्रकार, उसकी जो ये नोक है, या पेंसिल जब आपने शार्प करके रखी तो उसकी टिप, या सुई, सुई की नोक, ये पॉइंट का एग्जांपल है। तो इससे जब आप निशान लगाओगे अपनी कॉपी पर तो एक पॉइंट बनेगा। तो पॉइंट जो है उसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं है, वो एक पोजिशन को दिखाता है, एक जगह को बताता है कि ये एक जगह है, ये उसके लिए हम पॉइंट लगा रहे हैं। हिंदी में इसको कहते हैं बिंदु। तो यहाँ पर एक बिंदु ये दिखा रहा हूँ मैं। और अब हम ज्योमेट्री की जब बात करेंगे, आप एक बिंदु दिखाएंगे तो बिंदु का एक नाम रखना पड़ेगा, कहाँ, कौन से बिंदु की हम बात कर रहे हैं। तो इसका हमने नाम रख दिया ए। तो कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं इंग्लिश के बिंदुओं की पोजीशन को बताने के लिए। तो इसके पास हमने ए लिखा है, ये बिंदु है, ये इस पॉइंट का नाम हो गया ए। उसके बाद एक ये पॉइंट है, इसका नाम हो गया बी। ये पॉइंट, इसका नाम हम रख लेते हैं सी। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं उसके नाम से हम बता सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि पॉइंट बी कहाँ है तो आप बोलोगे कि ये है बी पॉइंट। अगर मैं बात करूं पॉइंट सी कहाँ है तो यहाँ पर है ये पॉइंट सी। पॉइंट ए कहाँ है तो पॉइंट ये यहाँ पर है। तो इसको लिखते भी इसी तरह से हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, या अगर हिंदी की बात करें तो बिंदु ए, बिंदु बी तथा बिंदु सी। तो इस तरह से हम पॉइंट्स की बात करते हैं। अब पॉइंट से आगे चलें तो हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड क्या है, तो अगर उसकी बात करें तो जब आप कागज़ को फोल्ड करते हैं, किसी कागज़ को, तो बीच में एक निशान बनता है, एक लाइन जैसी बनती है, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। लाइन का एक टुकड़ा, लाइन सेगमेंट, लाइन का एक टुकड़ा, पार्ट, रेखाखंड, रेखा का एक खंड। इसी तरह से आप धागा लें एक और उसको दोनों साइड से पकड़ लें इस तरह से खींचकर, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये जो बनी, इसे हम इस आकृति को रेखाखंड कह सकते हैं। तो ये रेखाखंड के कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण हो गए। अब रेखाखंड हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं उसकी बात करें, तो यहाँ पर मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूँ, एक हमने लिया ये पॉइंट ए, दूसरा ये पॉइंट है पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने जाना है तो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। जैसे एक ये दिखाया है इस तरह से, यहाँ से घूमता हुआ ये यहाँ जा रहा है, दूसरा ये है जो सीधा जा रहा है, तीसरा ये है एक और ज़्यादा घूम रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग रास्ते आ रहे हैं, अलग अलग लाइनें आ रही हैं, रेखाएं आ रही हैं। इनमें से जो सबसे छोटी है, सबसे कम दूरी जिसमें तय करनी पड़ेगी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, इसे हम लाइन कहते हैं, और इसी से ये लाइन सेगमेंट बनता है। तो ये ए बी जो है ये लाइन सेगमेंट, यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है बिटवीन ए एंड बी, ए से बी तक के कम से कम दूरी, सबसे छोटी दूरी जो है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। और इसको हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पर ये रेखाखंड हो गया ए बी, ये दो रेखाखंड नहीं है जो टेढ़े मेढ़े हैं, जो सीधा होगा, सबसे छोटा होगा रास्ता, उसे हम रेखाखंड कह रहे हैं।
लिखने के लिए इस तरह से लिखते हैं हम, ए बी इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, ये रेखाखंड या लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी भी कह सकते हैं इसे या बी ए कह सकते हैं, दोनों तरफ से एक ही बात है, ए बी और बी ए, ए बी या बी ए हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक और लाइन सेगमेंट है ये, इसके जो दो एंड पॉइंट्स हैं एक को हम नाम दे रहे हैं एक्स, दूसरा वाई, ये एंड पॉइंट्स होते हैं, सिरे होते हैं इसके, अंत बिंदु। तो अंत बिंदु एक यहाँ पर है, इसको हम एक्स कह रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर जो है इसे हम वाई कह रहे हैं। तो इसको जो हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, पढ़ेंगे इसको लाइन सेगमेंट एक्स वाई और लाइन सेगमेंट वाई एक्स, ऊपर इस तरह से बार लगाकर हिंदी में बोलेंगे रेखाखंड एक्स वाई या रेखाखंड वाई एक्स, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये रेखाखंड है, रेखाखंड की एक फिक्स लंबाई होती है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो एक फिक्स लेंथ है इसकी, निश्चित लंबाई, और इसके दो अंत बिंदु हैं, एक अंत बिंदु यहाँ पर है और दूसरा अंत बिंदु यहाँ पर है, एंड पॉइंट्स। तो एक एंड पॉइंट यहाँ, एक एंड पॉइंट यहाँ। तो लाइन सेगमेंट जो है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटी दूरी, साथ में इसमें टू एंड पॉइंट्स हैं, दो अंत बिंदु, और फिक्स्ड लेंथ है इसकी, निश्चित लंबाई है, इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। नेक्स्ट चलते हैं लाइन, रेखा। तो रेखा क्या है, उसके लिए पहले लाइन सेगमेंट पर ही आते हैं। ये लाइन सेगमेंट है और इसके दो एंड पॉइंट्स जो थे वो ये हैं, ए और बी, यहाँ पर है ये ए, ये है बी। अगर मैं इसको दोनों साइड बढ़ा दूं इनफाइनाइटली, मतलब अनंत, इसकी लंबाई अनंत कर दूं, ए वाली साइड से भी और बी वाली साइड से भी, दोनों तरफ इस तरह से, अब ये जो आगे एरो लगा इसका मतलब है ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, ये आगे चलता जा रहा है, कहाँ तक, जहाँ तक आप सोचें उससे भी आगे तक, तो ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, इसी तरह से पीछे की तरफ भी है, तो दोनों तरफ ये चलता ही जा रहा है। तो इस तरह की जो ये आकृति बनेगी इसे हम कहते हैं लाइन, रेखा। तो ये है रेखा। अब इस रेखा में दो पॉइंट्स ये दिखा रहे हैं हम, ए और बी, लेकिन ये इसके एंड पॉइंट्स नहीं है, अंत बिंदु नहीं है, यहाँ इसका अंत नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा है, यहाँ से भी आगे चल रहा है, पीछे भी इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो इस तरह की आकृति, इस तरह की शेप को हम लाइन या रेखा कहते हैं। इसको लिखते हैं हम इस तरह से, ऊपर हम लाइन का ही सिंबल लगाएंगे इसके ऊपर, तो इसे हम पढ़ेंगे लाइन ए बी और लाइन बी ए। तो ए और बी जो है ये एंड पॉइंट्स नहीं है, बस इसके ऊपर हमने दो पॉइंट्स ले लिए जिससे ये लाइन डिफाइन हो रही है। तो इसका नाम रखने के लिए कहीं दो पॉइंट्स ले सकते हैं आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से यहीं तक है, ये इससे आगे भी जा रही है, इससे पीछे भी जा रही है। तो ये है ए बी लाइन, रेखा ए बी, तो इस तरह से, या फिर रेखा बी ए भी कह सकते हैं इसको। इसका ही नाम इस तरह से भी लिखते हैं, इंग्लिश के स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं, अगर इसमें बीच में पॉइंट्स ना लेने हो या पॉइंट्स ना हो तो हम इसका नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये लाइन एल कहेंगे इसे, रेखा एल, स्मॉल एल। पॉइंट्स के नाम कैपिटल से लिखते हैं हम, कैपिटल लेटर्स में, बड़े अक्षरों में, और इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स छोटे अक्षरों में हम लिखते हैं लाइंस के नाम। तो इस लाइन को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम कहेंगे लाइन एल, रेखा एल। उसके बाद आते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस पर, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेदी। तो अब हम दो लाइंस की बात करेंगे, एक ये लाइन है, इसका नाम है L, लाइन L, रेखा L, और दूसरी लाइन है ये लाइन M, रेखा M। अब ये दोनों लाइंस जो हैं एक जगह यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे को मिल रही हैं। इस पॉइंट को हम एक नया नाम रख लेते हैं, P। तो ये जो पॉइंट P है, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मिल रही हैं और कहीं नहीं मिल रही हैं। तो इस तरह की जो दो लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट से होकर जाती हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह की दो लाइंस को कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये L और M रेखाएं जो हैं दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसका एग्जांपल आप इस तरह का देख सकते हैं कि रोड्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण हो गया। चौराहा जब आता है तो उसमें रोड्स इस तरह से एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल लाइंस पर, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। अब ये समांतर रेखाएं क्या हैं, उसके लिए आप एग्जाम्पल देखें, ये रेलवे ट्रैक का, रेलगाड़ी की जो पटरी होती है, तो ये दो पटरियां जो हैं ये कभी एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं हमेशा, और इस तरह से आगे तक चलती जाती हैं। इसी तरह से खिड़की की ये ग्रिल देखें अगर आप, तो ये ग्रिल भी जो लगी होती हैं इसमें, लोहे के सरिये जो लगे होते हैं, रॉड्स, ये
ये एक दूसरे को कभी नहीं मिलते हैं, ये एक दूसरे से समान दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो ऐसी दो लाइंस जिनके बीच में डिस्टेंस जो है इक्वल है, हर जगह समान दूरी है, समान अंतर है, तो उन्हें हम समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये एक लाइन है L, दूसरी ये लाइन है M। ये दोनों लाइंस जो है ये दूसरे एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे आप इनको कितना भी आगे तक बढ़ा लें, क्योंकि हमने बात की कि ये लाइन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही नहीं है, ये दोनों साइड इनफाइनाइट लेंथ है, अनंत लंबाई है इसकी। तो जितना मर्जी बढ़ा लें, ये कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो इस तरह की लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं। नेक्स्ट आता है रे, रे या किरण, इसे भी लाइन का एक पार्ट कह सकते हैं। रे या किरण आप जानते ही हैं, जैसे सन की रेज की बात करते हैं हम, सूर्य की किरणें, तो सन से स्टार्ट होकर किरणें आ रही हैं, और कहां तक जा रही हैं, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकती है, कहां तक, कभी इसका कोई अंत नहीं है। इसी तरह से टॉर्च है, टॉर्च की रे जो है, टॉर्च की लाइट, वो इस तरह से एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और दूसरी साइड ये बढ़ती जा रही है। तो ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हो गए कुछ रे के, किरण के। तो किरण हम इस तरह से दिखाते हैं, ये रे, इसमें एक एंड पॉइंट है जहां से ये स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, इसे भी एंड पॉइंट कहते हैं, अंत बिंदु। तो हमने बात की थी लाइन सेगमेंट में दो अंत बिंदु हैं, टू एंड पॉइंट्स हैं रेखाखंड में, यहां पर सिर्फ एक ही है और दूसरी साइड ये चलती जा रही है। अब इसका नाम रखने के लिए हमें बीच में एक पॉइंट और लेना पड़ेगा, लेकिन यहां ये खत्म नहीं हुई है, एंड पॉइंट सिर्फ एक ही है। तो ये दो पॉइंट्स ले लिए, इसका नाम हम पी रख देते हैं और दूसरी साइड ये क्यू। तो इसका जो अब हम इस रे का या इस किरण का जब नाम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, इसे हम पढ़ेंगे रे पी क्यू, किरण पी क्यू, इसमें ऊपर ये एरो का सिंबल लगाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से हम यहाँ पर रे की बात करेंगे। तो हमने पहले लाइन सेगमेंट की भी बात की, रेखाखंड, लाइन की बात की, रेखा, और यहाँ पर रे किरण की बात की। आपने ये ध्यान रखना है कि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स थे, दो अंत बिंदु थे, एक यहाँ, इससे आगे नहीं जा रही थी लाइन जो थी, दोनों साइड ये एरो था, इस तरफ भी ये आगे बढ़ सकती है और इस तरफ भी आगे बढ़ सकती है, उसे हमने लाइन कहा था। और यहाँ पर जब हमने रे की बात की, किरण, इसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट है, दूसरी साइड ये बढ़ती जा रही है। तो लाइन और रे जो है ये इनफाइनाइट लेंथ के, अनिश्चित लंबाई है इनकी, अनंत लंबाई है। लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड है, रेखाखंड की निश्चित लंबाई है। तो इस तरह से हमने अलग अलग ज्यामितीय आकृतियां देखी। अब आपने जो है एक्सरसाइज जो है आपके पास यहाँ पर 4.1, वो आपने करनी है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आप इसको समझ जाएंगे जो अभी मैंने आपको बताया, तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू, और आप इतना काम करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।